हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ पुनः ये घर का बना हुआ खाना। दोस्तों, ये सारा खाना जो है भाई मेरी भाभी माँ ने ही बनाया है, जैसा कि हमेशा बनाती आई हैं। तो दोस्तों, आज खाने के मेन्यू में क्या है, ये है भाई मसालेदार पनीर की सब्ज़ी, ये है आलू पालक की सब्ज़ी, ये है पनीर की भुर्जी, और ये है पालक दो प्याज़ा की सब्ज़ी, ये है चावल, प्याज, हरा मिर्च, और ये हम सब की प्यारी रोटी जिसके लिए हर इंसान काम करता है। जय माँ अन्नपूर्णा। चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं रखता हूँ ऐसे, और इसे मैं रखता हूँ ऐसे, ठीक है, ताकि खाने में अब मज़ा आए थोड़ा। दोस्तों, पालक आलू की सब्ज़ी, सोवा आलू की सब्ज़ी वगैरह, ये मुझे ताज़े सूखे चावल से भी अच्छी लगती है, बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए, वाह,
ये रही पालक दो प्याजा, इसे प्याज और पालक के जोर बनाया गया है। ये इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। ये पनीर की सब्जी, ये रहा। ठीक है दोस्तों, पनीर की भुर्जी सुखाई खाने में आनंद आ रहा है। ये रही ये इसको ऐसे लिया।
खा करके दोस्तों आनंद आ गया। मसालेदार पनीर की सब्ज़ी, आलू पालक, पालक दो प्याज़ा, पनीर भुर्जी बहुत ही बढ़िया बना हुआ था। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और आप शाकाहारी खानों के शौकीन हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और लाइफ में कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी करना चाहता हो तो उसको प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है, और जब लोग प्रोत्साहन देते हैं तो वो अपने काम को और भी बेहतर ढंग से कर पाता है। तो प्लीज़ मुझे ये सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, हमेशा मैं आप लोगों से विनती करता आया हूँ और करता भी रहूँगा हमेशा। तो दोस्तों यदि आप मेरी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और यदि मेरी इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों इस सहयोग की मुझे आवश्यकता है, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार विनती करता रहता हूँ, प्लीज़ मुझे ये सपोर्ट करें। और दोस्तों जब भी खाना अच्छा बना हो तो उसकी तारीफ खुल के करनी चाहिए, एकदम खुल के करनी चाहिए, वो भी इस अंदाज में। स्वादिष्ट है भाई।